सब एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा फिल्म्स। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट में मैसेज करके बोल रहे हैं कि यूट्यूब को लीव किया है क्या, फिल्म इंडस्ट्री लीव किया है क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा ध्यान फेरे के में दिया क्योंकि इस वजह से कि रेट बढ़ चुके हैं और कस्टमर नाराज़ हो रहे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर मेरा नाराज़ हो। और दूसरी बात, यूट्यूब लीव कभी होएगा नहीं इंशाल्लाह, और ना कभी मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ूंगा। बस ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा, ऐसे ही टाइम पास करता रहूँगा, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात कि बहुत सारे मैंने पिछले महीने में मेरे प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन लिए थे, सलेक्शन किए थे, तो कुछ लोगों को, कुछ आर्टिस्ट को वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रेडी है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा। प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट रेडी होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा परमिशन लगता है। कैमरामैन रेडी होना चाहिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रेडी होना चाहिए, सेटअप रेडी होना चाहिए, शूटिंग रेडी होना चाहिए, परमिशन रेडी होना चाहिए, तब जाके ये सब प्रोजेक्ट रेडी होता है। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और जिसको ट्रस्ट होगा मेरे प्रोडक्शन पे और मेरे पे, तो वो मेरे साथ काम कर सकते, वो मेरे साथ यहाँ से मैं एक साल के बाद बनाऊँ, दो साल के बाद बनाऊँ, छः साल के बाद बनाऊँ, वो लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते। लेकिन कनेक्ट में रहना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। अगर से जो लोग कनेक्ट में नहीं रहेंगे, प्रोजेक्ट रेडी होगा, रिलीज़ हो जाएगा, बाद में बोलना नहीं कि कनेक्ट में आपने काम नहीं दिया। काम सबको मिलेगा, तो थोड़ा प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ, दूसरे भी परमिशंस में बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेडी होगा और बताऊँगा और रिलीज़ करूँगा, बोल के नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ चूतियों की जलती बोलते फेक है, ये है वो है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा ध्यान फेरेके में दिया, क्योंकि फेरेके का रेट बढ़ चुका है, 700 रुपये रेट हो चुका है। तो फेरेके में ध्यान दिया, और फेरेके के सारे कस्टमर जो मेरे से नाराज़ हो रहे हैं, प्लीज़ नाराज़ मत हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ा है। तो मुझे ऊपर से जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी महंगा मिल रहा है, तो इसीलिए मैं इधर से मतलब रेट करा। मुझे पैसा ज़्यादा नहीं कमाना है, बस मुझे कस्टमर का दिल जीतना है, और इंशाल्लाह मैं जीतूँगा। कुछ लोग हैं फ्रॉड समझ रहे, फिल्म इंडस्ट्री लीव कर दिया समझ रहे, भाई मैं फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकता। तो आज का वीडियो बनाने का यही मकसद है। और इंस्टाग्राम के फॉलोअर पे भी एक वीडियो है कि फॉलो बैक मैं नहीं कर रहा हूँ बोलकर मुझे अनफॉलो कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको फॉलो बैक मिलेगा, थोड़ा कंपनी से एग्रीमेंट है, मेरी आईडी डबल यूज़ होती है। जब मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा मैं सबको फॉलो बैक दूंगा, सब मेरे भाई लोग हैं, कोई मेरा फ़ैन नहीं है, कोई मेरा फॉलोअर नहीं है, राइट ना। तो तब तक के लिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। बाय।